दोस्तों देख सकते हो मार्केट एक गैप डाउन खुली, फिर इसने अपना 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे एक ब्रेक किया, 3 मिनट का कैंडल। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट था जहाँ जी पे इसने दो बार टच किया, अपसाइड गया, यहाँ पे फिर आया और अपसाइड गया। तो मैं इसके ब्रेक होने का, मैं चाहता था यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता था एक अपसाइड का, बट मैं अभी रिस्क कोई लेना नहीं चाहता। तो अपने अगर मेरे को यहाँ इसके लेवल टूटते हुए मिलते हैं, अगर आप देख सकते हो मार्केट अभी रेडी है, तो जो भी अब नेक्स्ट कैंडल आई, कैसे अगर रेड बननी शुरू हुई तो मैं इसमें एक एंट्री बना लूँगा और उसको हम एक छोटे से इस कैंडल के अप पे रख के ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं उसमें फिर हमारा क्या सीन होता है, कैसे प्रॉफिट आता है। मैं 21,400 की पुट खरीदूँगा निफ्टी निफ्टी की, जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा इसको कुछ पॉइंट निकालने के लिए। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कैसी बनती है। ये नीचे की साइड अगर आती है तो मीन्स ये वाला एरिया जो है ये ब्रेक करेगा, ये वाला एरिया मुझे ब्रेक चाहिए, ये वाला ये ब्रेक करेगा तो एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा इस लेवल तक, यहाँ तक के लेवल को हमें नेगेटिव एक सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो हम इसको स्कैल्प कर सकते हैं, 3 मिनट की कैंडल पे एक स्कैल्प मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अभी देखो कैंडल होल्ड कर रही है, तो हो सकता है कि कैंडल होल्ड कर रही है, तो हो सकता है कि एक चांस बने कि नीचे। मैं एक बहुत ही सटीक तरीके से ट्रेड लेना चाह रहा हूँ ताकि मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज। देखो ऐसी कैंडलें हैं यहाँ पे, 10 10 12 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे होंगे, पता ही नहीं चलेगा, जहाँ पे हैवी लॉस आ सकता है। तो इसीलिए कोई नहीं, वेट करते हैं, वेट करेंगे, जहाँ पे ट्रेड मिलेगा वहाँ लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक दो ट्रेड लेने बस, तो वो ट्रेड जहाँ मिल जाए हमें वहाँ लेंगे। यहाँ से देखो लास्ट रिजेक्शन यहीं से वापस आया था और अब यहाँ पे भी कैंडल होल्ड कर रही है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश कैंडल बने और फिर ये इसको ब्रेक करेगी। तो अगर बेरिश बनती है तो मैं यहीं से एंट्री एक ले लूँगा, 21,400 की पुट में, अभी 63 रुपये के आसपास चल रही है, और उसमें ले लूँगा एंट्री में। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, निफ्टी ऊपर चल रहा है और भी नीचे चल रही है, हमारा कुछ 66 के आसपास, 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाँ तो मैं इसको ट्रेड करने के लिए कोशिश करूँगा, एंट्री ले ली है और अभी मुझे एक छोटा सा लॉस भी हो रहा है। मैंने 297 का एक लॉस बुक कर दिया क्योंकि मार्केट सडनली एक ग्रीन कैंडल बनाने लगी, तो मैं निकल गया इससे अभी। कोई नहीं, हम ट्रेड में दोबारा घुसेंगे, कोई बड़ा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ 50 पैसे का कुछ, एक रुपये के आसपास का कुछ लॉस ले लिया है, एक रिट्रेसमेंट आए तो मैं उसमें एंट्री कर जाऊँगा इस लेवल तक के आसपास, यहाँ तक आए और मैं यहाँ पे एक एंट्री कर जाऊँगा फिर से। मैंने एक एंट्री बनाई है जहाँ पे मुझे अभी 1500 1600 रुपये का लॉस चल रहा है, बट आई होप ये प्रॉफिट मानना चाहिए। निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाएगी, ये थोड़ा सा अप हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनेगी तो मेरा ये प्रॉफिट ऊपर निकल जाएगा, ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आने लगा गया अभी, कुछ अभी हमें छोटा मोटा प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी ये कैंडल अब जितनी नीचे आएगी उतना प्रॉफिट मुझे होगा। मैंने कुछ 2100 रुपये का प्रॉफिट बुक किया और निकल गया मैं। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ चार्ट पे दिखाता हूँ ले जाके, ये कुछ 2100 रुपये का प्रॉफिट मैंने अभी बुक किया और मैं निकल गया। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल कितने पॉइंट कैप्चर किए हैं, कुछ मैंने कुछ 7 8 पॉइंट कैप्चर किए हैं, जहाँ पे मुझे 2000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अपना एक पहला स्कैल्प हमारा पूरा हो गया और अब मैं सेकंड स्कैल्प लेने की कोशिश करूँगा कहीं और से, देखता हूँ अगर मुझे एंट्री मिलती है कोई सी तो मैं एक और एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। मेरा एक पहला स्कैल्प तो पूरा हो गया जो कि हमने ऑलमोस्ट पॉजिटिव में ही काटा है। ये थोड़ा सा रेड भी था, कुछ 2500 के आसपास रेड चला गया था, बट फिर
मैंने एक पोजीशन वहाँ पे ऐड ऑन कर ली, जहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर बुक में जाके, यहाँ पे मैंने कुछ 450 350 ये मैंने लिए बाय बाय सेल बाय, तो मैंने कुछ यहाँ पे ये 400 क्वांटिटी उठाई, फिर 100 क्वांटिटी और उठाई और इसको 79 के रेट पे मैंने बेच दिया, ओवरऑल 500 क्वांटिटी, तो 4-5 पॉइंट का मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो है, और अच्छा हुआ मैं निकल गया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 71 का रेट चलने लग गया, तो अपना प्रॉफिट बुक किया स्कैल्प में और निकल गया। तो दोस्तों मीनवाइल यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, और देखते हैं अभी एक आधी अपॉर्चुनिटी और मिलती है तो मैं उसमें भी एंटर करके एंट्री लेता हूँ और आप लोगों को अपडेट करूँगा। अब वेट कर रहा हूँ मार्केट को इस लेवल तक आने के लिए, यहाँ पे इस लेवल तक आएगी तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए, और नेगेटिव कैंडल बनती ही हम एक पुट साइड का ट्रेड फिर प्लान करेंगे और देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे अभी इस लेवल पे यहाँ कहीं आ जाए, और यहाँ से एक अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे अभी ट्रेड लेना रिस्की है क्योंकि यहाँ पे ये गैप फिल करने आ सकता है, और ये गैप फिल करने आएगा तो आप ऑलमोस्ट लॉस में ही कट जाओगे, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप बड़ा लॉट लेके घुसते हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। तो हमें एक परफेक्ट एंट्री का वेट करना है, मेरी एंट्री बन जाएगी जब यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर तो हो गया है और इसके आसपास एक नेगेटिव कैंडल बन के नीचे आएगी तो मेरी एक एंट्री बन जाएगी यहाँ पे। अब उसी का वेट करते हैं, आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये मैंने 2100 की पुट लगा रखी है और यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो अगर हमें रेड रेड कैंडल मिलती है तो हम इसमें एंटर कर जाएंगे और फिर इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा कुछ प्रॉफिट होता है तो हम अपना 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके फिर से निकल जाएंगे। दोस्तों मैंने बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट में, अब यहाँ पे एक प्रीमियम डिके चल रहा है, बस मार्केट यहीं कहीं अपसाइड डाउन कर रही है, जहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ पुट को तो ये कुछ 80-83 रुपये का हाई लगा के फिर वापस नीचे आ रही है, तो जहाँ पे ये प्रीमियम डिके देखने को मिल रहा है तो अभी मैं इस जगह पर तो ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉस हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस सिस्टम को बंद करूँगा और मैं हो सका तो हाफ डे सेकेंड हाफ में मतलब ट्राई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 2000 का प्रॉफिट तो मिल ही गया है और अपना फर्स्ट टारगेट हो चुका है पूरा, 500 का मुझे एक दिन का चाहिए था और वो दो मैं सरप्लस में ही चल रहा हूँ अभी। तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग यहाँ पे बंद कर देनी चाहिए अभी और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए ताकि ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए। चलो